जंगल। थाना प्रभारी निरीक्षक नाटौर थाना प्रांगण में ईद उल अजहा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार हमें बलिदान की याद ताजा करता है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ सभी धर्म जातियों को त्यौहार मनाने की पूरी आजादी है। उन्होंने सभी धर्मों को लोगों से आह्वान किया कि भाईचारा कायम रखे। उन्होंने असामाजिक तत्वों को चेताते हुए कहा कि यदि किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चेयरमैन पुत्र इफ्तिखार अंसारी ने कहा कि ईद उल अजहा पर विशेष सफाई, बिजली न आने की स्थिति में जनरेटर की पानी की सप्लाई, ईदगाहों के बाहर साफ सफाई अभियान चलाने और चूना डालने तथा मीट के अवशेष उठाने के लिए सफाई कर्मियों की टीम आदि रहेगी। बैठक में वीओ वरद गुलाम साबिर सिद्दीकी ने ईदगाह के आसपास विशेष सुरक्षा रखने, मीट के अवशेष दबाने के लिए नगर पालिका से विभिन्न मोहल्लों में बड़े गड्ढे खुदवाने, हाजी यामीन फारूकी ने मुसलमानों से मीट के अवशेष इधर उधर न फेंकने, सलीम सिद्दीकी ने कदीमी ईदगाह छूटी होने के कारण नमाजी धामपुर मार्ग पर नमाज अदा करने के मद्देनजर बाईपास से रूट डाइवर्जन करने और वाल्मीकि समाज के लोगों से ईद के दिन अपने जानवर बंद रखने की समस्या उठाई। बैठक में नगर इंचार्ज इरशाद खान, उप निरीक्षक रामचरण लाल, शिवशंकर शर्मा, प्रधान अली हसन, भाजपा नगर अध्यक्ष वैभव गोयल, महावीर सैनी, शाहिद सिद्दीकी, शेख समी, शादाब शाद, फिरोज सिद्दीकी, सभासद हाजी शाह आलम, विशाल हाशमी, शमीम अंसारी, रफीक अहमद, नबील अहमद, मोहम्मद शादाब, शराफत इंतजार, शेख महफूज उर्फ गुड्डा, प्रधान मोहल्ला असलम, प्रधान शरीफ कुरैशी आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। नेटवर्क से न्यूज़ फ्रीडम के लिए डॉक्टर नदीम अहमद की रिपोर्ट।